वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री हब। सो फाइनली IBPS AFO का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले ही वीडियो में प्रिडिक्शन किया था, 400 से 500 वैकेंसी का, उसी अकॉर्डिंग वैकेंसी 480 रिपोर्ट हुई हैं। ये देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन IBPS AFO। तो इसका अप्लाई डेट जो है 2 नवंबर से स्टार्ट है और 23 नवंबर तक लास्ट डेट है। 26 दिसंबर को इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम 24/1 को लगा है। तो आइए देखते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम एज 20 to 30 ईयर होती है। तो चलिए देखते हैं, बाकी ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो इसका प्रीलिमिनरी जो है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 50-50 क्वेश्चन आएंगे तीनों के। इंग्लिश 25 नंबर का और रीजनिंग एंड मैथ 50-50 नंबर का। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ जो है 36 के करीब गई थी, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है तो अप्रॉक्स 45 कट ऑफ रहेगी। बाकी पेपर पर भी डिपेंड करता है। सो आगे देखते हैं। तो वैकेंसी देखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने नॉट रिपोर्ट दिखा रहा NR। बैंक ऑफ इंडिया में 45 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं, और कैनरा बैंक में 290 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं, और यूको बैंक में वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं। 485 वैकेंसी टोटल हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो NR है, और इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें से PNB और BOB दो बैंक के बड़ी बैंकें हैं जो वैकेंसी रिपोर्ट कर सकती हैं। तो अभी इनिशियल वैकेंसी तो 485 हैं, लेकिन वैकेंसी में भी 800 तक भी हो सकती हैं। फाइनल रिक्रूटमेंट 800 तक हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। तो ये IBPS AFO का नोटिफिकेशन आ गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।